आज जो फेस पैक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो महंगी से महंगी आप क्रीम लाते हैं या कोई भी चीज़ फेस पैक मार्केट से लाते हैं वो असर नहीं कर पाती जो ये होममेड नेचुरल फेस पैक बना करके आप अपने चेहरे को क्लियर कर सकते हैं। कील मुहासे जो भी आपके फेस पे हो रहे हैं, टैन आ गया धूप की वजह से, ये सभी चीज़ें आपके रिमूव हो जाती है धीरे धीरे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है और आगे मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक फेस पैक जिसे लगाने से आप जो धूप में जाते हैं आपके फेस पे कालापन आ जाता है, टैन आ जाता है, तो उसे रिमूव करने के लिए मैं आपको ये फेस पैक बता रही हूँ। सबसे पहले इस को लगाने से पहले आपको एक फेस ऑयल से मसाज करना है। कोई भी आप फेस ऑयल ले सकते हो, और आप चाहें तो मैंने बादाम का ऑयल ले रखा है। मैं बादाम और नारियल का तेल फेस की मसाज के लिए यूज करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि दाग धब्बे भी ठीक होते हैं, यहाँ तक कि नारियल का तेल इतना अच्छा होता है कि जो जले कटे के निशान होते हैं धीरे धीरे वो भी आपके गायब होने लगते हैं नारियल तेल लगाने। यहाँ तक कि नारियल के तेल से मसाज करने से आपके फेस पे जो दाग धब्बे हैं, जो जले के निशान तक भी होते हैं ना, वो भी मिटना स्टार्ट हो जाते हैं। कहीं पर भी जल जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है, तुरंत आपको वहाँ पे घाव हो जाता है। तो नारियल तेल लगाना है रोज रात को, तो धीरे धीरे आपका घाव भर जाता है और दिखाई भी नहीं देता। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फेस को मसाज किया है। मैंने यहाँ पे बादाम का तेल ले रखा है, मैं इसी से फेस को मसाज कर रही हूँ, क्योंकि फेस मसाज करने से भी जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बेहतर होता है। और कम से कम आपको 5 से 10 मिनट फेस को मसाज करना है। मसाज करने के बाद जब भी इस पैक को लगाते हैं आप, तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं फेस मसाज करना है। इस तरीके से आप मसाज करेंगे तो उसके बाद आपको या तो आपको किसी भी तावल से, कॉटन का तावल है तो उससे इस तेल को हटाना है, और उसके बाद भी आप देख सकते हैं फेस पे एक ग्लो आता है। जब भी हम फेस को मसाज करते हैं तो एक ग्लो आता है धीरे धीरे, जो बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारे फेस पे झाइयाँ, रिंकल, पिंपल सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है और आपके फेस का ग्लो गायब होता है। कुछ हार्मोन्स की वजह से भी होता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती उसकी वजह से भी होता है। तो इस तरीके से हम फेस की केयर करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें, जो फेस लटक रहा होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं फेस पे, और ये सभी चीज़ें आपके धीरे धीरे एकदम से, ये नहीं होगा कि आज आपने लगाया और आपको लगा कि निखार नहीं आ रहा है। धीरे धीरे ये चीज़ें आपके फेस पे धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, जो दाग धब्बे हो जाते हैं। और फेस मसाज करना जरूरी है, तो इस तरीके से आपको फेस मसाज करना है। उसके बाद आपको लेना है मुल्तानी मिट्टी, कोई भी मुल्तानी मिट्टी, आप पत्थर वाला भी ले सकते हैं जो टुकड़े में आता है वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने पाउडर ले रखा है, तो आधा टीस्पून के करीब मैंने, अपने फेस के अकॉर्डिंग आपको लेना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, बस आधा टीस्पून से कम मैंने ये ले रखा है। उसके बाद आपको चंदन पाउडर लेना है। चंदन पाउडर हमारे फेस पे जो दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उनको रिमूव करता है, साथ ही शीतलता प्रदान करता है। इतनी ठंडक महसूस होती है सिर्फ इसको लगाने से कि आप बता नहीं सकते। इतनी भीषण गर्मी है और इस गर्मी में आप इसे लगाते हैं तो आपके फेस का ग्लो देखेंगे आप। जो भी आपके फेस पे परेशानियां हैं, पिंपल हो रहे हैं और रिंकल हैं, साथ ही आपके फेस पे ऑयल आ गया है, तो ये चीज़ें लगाने से ना, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं मुल्तानी मिट्टी। इसके बाद हमको एलोवेरा जेल लेना है। एलोवेरा जेल मेरे घर में जो प्लांट है ना, हम गांव गए थे 15 से 20 दिन गांव में रहे, तो उसकी वजह से प्लांट पूरे पीले पड़ गए थे, तो धीरे धीरे वो हरे हो रहे हैं। जब वो हरे हो जाते हैं उसी के बाद जो घर में लगे हुए प्लांट हैं तभी यूज करना है। मैंने यहाँ पे ले रखा है पतंजलि का एलोवेरा जेल, तो आधा
चम्मच के करीब आपको इसको मिक्स करना है इसमें। उसके बाद आपको रोज वाटर इसमें जरूर डालना है, पानी नहीं मिक्स करना है। रोज वाटर आप इसमें मिक्स कर लेते हैं तो उसके बाद हल्के हल्के हाथों से आपको अपने फेस पे पूरा लगाना है। और इतनी ठंडक महसूस हो रही है ना इसको लगाने के बाद, बहुत अच्छी ठंडक मिलती है फेस को, तो आप एक बार लगा करके देखिए। तो गाइज उसके बाद वॉश करना अपने फेस को, और 10-15 मिनट तक कोई क्रीम कुछ भी आपको नहीं लगाना है फेस पे, ऐसे ही रहने देना है। और देर तक आप देखेंगे कि आपके फेस पे कोई ऑयल नहीं आता। और उसके बाद आपको कोई भी मॉइस्चराइजर, कोई जैसे आप बाहर धूप में निकलने हैं तो विटामिन सी वाला सनस्क्रीन आपको अपने फेस पे लगाना है। इससे आपके दाग धब्बे धीरे धीरे कम होते हैं। 20 साल से ऊपर की एज की जो लड़कियां होती हैं उनको सनस्क्रीन, विटामिन सी वाला सनस्क्रीन लेना चाहिए ताकि कोई भी आपके फेस पे दाग धब्बे ऐसी चीजें ना आए। तो इसलिए आपको ये चीजें यूज करनी है। आई होप कि गाइज आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।